लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। बोरिया प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय घोघी में एक शिक्षक में दो बच्चे उपस्थित थे। जब रजिस्टर में उपस्थिति पर सवाल किया गया तो शिक्षक आग बबूला हो गए और बोला कि रजिस्टर में उपस्थिति नहीं लिया जाता, ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज किया जाता है। यहाँ तो स्पष्ट होता है कि रजिस्टर में उपस्थिति के आड़ में मध्याह्न भोजन का घपला हो रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है शिक्षक नियमित नहीं आते हैं, बच्चे को भोजन भी नहीं मिलता है, ना तो अंडा या फल नहीं दिया जाता है। अगर शिक्षक नियमित समय पर आए तो सभी बच्चे अवश्य आएंगे। जब शिक्षक अधिगम सामग्री की बात किया गया तो दीमक से भरा हुआ अक्षर कार्ड था। इससे साफ लग रहा है कि पहाड़िया समाज के बच्चों के साथ शिक्षा हनन हो रहा है। अगर शिक्षा विभाग के कोई भी पदाधिकारी इस विद्यालय का निरीक्षण करता तो इस विद्यालय का शिक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहता। यहाँ तो आदिम जनजाति बच्चों का मौलिक अधिकार छीन रहा है। सरकार कितने भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास का वादा कर ले, यहाँ तो शिक्षक पढ़ाने में मनमानी ढंग से चलते हैं। कितने बच्चे सर आज हैं? क्या बोल रहे हैं? कितने बच्चे आज उपस्थित हुए? दो ही बच्चे दिख रहे हैं। देखिए नामांकन कितना है सर? 27। मध्याह्न भोजन? मध्याह्न भोजन सब चलता है, जैसे बच्चा आता सब चलता है। तो कितना बजे खिलाते हैं मध्याह्न भोजन? 1:30 बजे। 1:30 बजे? तो अभी पकड़ा होगा, अभी तो बन रहा होगा ना मध्याह्न भोजन, बन रहा होगा। रसोईया जब छोकम बच्चे हैं तो रसोईया अपने घर में बना देती है। अच्छा, आती है बनाना। कौन है रसोईया? रसोईया है कौन? सब है, है? रसोईया है ना। कौन है, नाम क्या है सर? बेसरी पहाड़ी है। बेसरी पहाड़ी। अच्छा, तो ये विद्यालय प्रवेश समिति से बैठक होता क्या? प्रत्येक माह को 25 तारीख होता है। कितने उसमें उपस्थित होते हैं? अब तो होगा, डिपेंड करेगा आदमी पर ना, प्रत्येक हम गिनती रख। अच्छा, तो आपने गिनती रखिएगा तो कौन रखेगा सर? अच्छा विद्यालय, तो उस दिन की बात बताएंगे, उस दिन आएगा। अच्छा ठीक 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 ठीक, विद्यालय मान लो कभी 10 आ गया, कभी 12 आ गया, 16 सदस्य। अच्छा, कभी 10 ही आ गए। अच्छा, कभी लोग अगर विद्यालय अनुदान राशि पिछले साल मिला था क्या? कैसे पुछड़ा वगैरह कैसे हो, तो उसमें आप बैठक किए थे? सब कुछ बैठक हो के ही तब निकलता है। प्रस्ताव लिए थे? प्रस्ताव लिए थे? प्रस्ताव करके ही निकलता है, प्रबंधक समिति की बैठक होता है, प्रस्ताव करके। उसमें बाल संसद का मेंबर बैठता है, बाल संसद का भी है उसमें है। वो क्या प्रस्ताव रखते हैं आप बैठक में? बैठक में आप बैठक की प्रबंधन से उसमें कहते हैं कितने राशि आया है, इस राशि के प्रयोग करना है पोचाड़ा में, मैंने विद्यालय के विकास में करना है। तो विद्यालय विद्यालय जो कहता है बाल संसद का मेंबर रहता है इस बात को? तो बाल संसद का मेंबर एक बोले ना, एक सदस्य है, दो वरिष्ठ, दो शिक्षक होता है तो एक वरिष्ठ शिक्षक भी रहते हैं, और प्रधानाध्यापक जो है पदेन सचिव होता है, अध्यक्ष होता है। शिक्षक अधिगम सामग्री का यूज होता क्या? सब कुछ क्या करते हैं उसमें, क्या चीज है आपके पास? सब कुछ है, TLM वगैरह है, TLM का प्रयोग करके बच्चे को पढ़ाया जाता है। TLM का प्रयोग करके दिखा सकते हैं सर? TLM कहाँ है? सब कुछ है। कहाँ? TLM के दिखाएंगे आपको, जैसे ये सर कुछ ये सब है, ये बच्चे को देखा देखा कि ये कौन सा अक्षर है, छोटे बच्चे के सब दिखाया जाता है, यही टेलर की सामग्री इस तरह से दिखाई 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 देख पढ़ाया जाता है। दिखाई सर क्या क्या है? यही सब, ये सर घून लगा हुआ है, धूल है, अभी झड़ रहा है घून के, यहाँ तो सब कुछ यहाँ देखता है, दीमक लगता है। तो रोज रोज इसको नहीं निकालते? अरे दीमक है, बरसात में पूरा खा गया। हटिए, साफ क्या कर रहे हैं सर? देखने दीजिए ना सर, क्या है देखने दीजिए ना सर, दिखा कह रहे हैं, दिखा कह रहे हैं, पीला जो लगा हुआ सर पूरा ये सब खा गया, देखिए ना पहले। अच्छा, तो आप निकालते हैं सर उसको? निकालते हैं सर उसको? निकालते हैं TLM को? निकालते हैं आप TLM का? इसको भी देखिए, दीमक खाया है मेरा, चेयर वगैरह सब खा गया। अच्छा, इसका तो इसमें कीड़ा है क्या? अभी कीड़ा दिखाइएगा इसमें, देखिए ना पूरा कीड़ा होगा। अच्छा, ये दीवार में भी कीड़ा लगा है, देखिए। अच्छा, ये आपका दीमक, दीमक, दीमक। मिड डे मील का सामग्री आप खा रखते हैं? हैं, मिड डे मील का सामग्री आपका चावल है सर? चावल वही यही है मात्र, इतने अल्पाहार बच्चे को देते हैं? हाँ, अल्पाहार देते हैं। क्या क्या देते हैं?
सप्ताह में दो दिन अंडा या फल मिलता है। अच्छा अच्छा, अंडा फल सप्ताह में दो दिन मिलता है। कितने बच्चों का खाता है बैंक अकाउंट सर? करीब 15-16 का है। बाकी का कोरोना काल में कुकिंग कॉस्ट आया था, वितरण कर दिए क्या? सारे वितरण हो गए। वितरण हो गया है, सब राशि वितरण हो गया है, सब मध्यान्ह भोजन का भी सब वितरण कर दिया गया। हाँ जी, अंडा मिलता है? हाँ। क्या वो एक गो कब मिलता है? कब 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 मिलता है अंडा? मिलता है अंडा? अंडा क्या होता है? हा? अंडा क्या होता है? बिल्ली है? बिल्ली बिल्ली मिलता है ना? काफी बन गया सर? नहीं नहीं बना, अभी देख रहा होगा, कुछ नहीं हुआ। कभी खाना नहीं मिलता है? नहीं नहीं नहीं, से बोलेंगे अभी यहाँ अंडा उंडा भी देने का है वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं है तो खाना भी नहीं मिलता होगा। मास्टर नहीं आता है? मास्टर आता है, एक हफ्ता में दो बार तीन बार ऐसा आता है, एक हफ्ता में दो बार तीन बार, रोज नहीं आता। अच्छा, आप कहाँ के हैं? गोगी का है। ये तो यही गांव हो गया ना, क्या नाम हो गया आपका? राजेश पाड़िया। राजेश पाड़िया, तो फिर अभी देख रहे मात्र दो ही बच्चा है, तो और सब बच्चा? बच्चा लोग तो उतना नहीं है, बाहर भेजा भेज दिया सबको पढ़ाई, यहाँ पढ़ाई बड़े से नहीं होता है ना। तो फिर भी नामांकन इतना से ज्यादा, इतना ही बच्चा है गांव में कि और भी है? और भी तो है, लेकिन मास्टर आएगा तब ना बचाएगा, रोज आएगा तब ना बच्चा, रोज रोज आएगा, नहीं तो एक हफ्ता के बाद दो दो बार तीन बार आता है तो कैसे आएगा बच्चा? एक हफ्ता में जाएगा। बाद में बोल रहा है कि हम लोग मतलब गुस्सा होकर मतलब ये सब करते हैं, तो बोल रहा है कि तुम लोग स्कूल को खराब करता है, नुकसान पहुंचाता है स्कूल को, ऐसे ऐसा वो बोल रहा है। हम लोग उल्टा ही हम लोग को डांटते हैं, हम लोग इसको डांटते हैं, ये हम लोग को डांटते हैं। तो तब तो अंडा वगैरह कुछ नहीं मिलता होगा? कुछ नहीं मिलता। और ये हम